गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर गणित शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। BSTC फर्स्ट ईयर के लिए मैथमेटिक्स टीचिंग की क्लास है, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में एक यूनिट पूरी कर ली थी गणित शिक्षण सबके लिए, जिसमें हमने अध्यापक के गुण दोष, गणित में कौन कौन सी परेशानी आती है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इन सभी का अध्ययन किया था। आज हम एक नया यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन, जिसमें हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे, गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हम NCF 2005 के अनुसार कौन कौन से गणित शिक्षण से रिलेटेड शिक्षण शैक्षणिक उद्देश्य और लक्ष्य को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और RTE 2009 के अनुसार कौन कौन सा पाठ्यक्रम शामिल किया गया, उसके बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य बच्चों में या शिक्षक जो छात्र दीपक है उसमें समस्त सरकारी व गैर सरकारी उद्देश्यों और लक्ष्यों की जानकारी देना और उसके बारे में मूल्यांकन समझना, और अंतिम चैप्टर इसमें मूल्यांकन है, जिसमें हम इवोल्यूशन और मूल्यांकन दोनों को, आकलन मूल्यांकन की विधियों को और अन्य तरह के पैटर्न को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का प्रकरण या सब यूनिट रहेगा गणित शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य। लक्ष्य उद्देश्य यानी गणित शिक्षण क्यों करवाया जाता है, क्या उद्देश्य लेकर करवाया जाता है, क्या लक्ष्य लेकर करवाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके क्या उद्देश्य रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रथम उद्देश्य क्या रहेगा हमारा, व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य। व्यवहारिक उपयोगिता से क्या है, व्यवहारिक उपयोगिता का अर्थ होता है कि ऐसा शिक्षण या गणित व्यवहारिक दैनिक जीवन में क्या उपयोग करती है, उसका बालक के व्यवहारिक ज्ञान और दैनिक उपयोग में क्या परिवर्तन होता है और दैनिक जीवन में वो उसका उपयोग कैसे ले पाता है, क्योंकि हर बार कक्षा कक्ष में जो कुछ भी पढ़ाया जाए जरूरी नहीं कि उसका उपयोग दैनिक जीवन में होता है, पर गणित शिक्षण का उपयोग हम दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर तरह से करते हैं। जैसे कि बाजार से कुछ चीज़ या सब्जी या कुछ खरीदनी हो तो हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है, गणना करने के लिए, माप तोल के लिए, भाव तोल के लिए। ठीक है, और मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में और भी वाणिज्यिक फील्ड में, सभी में गणित की संक्रियाएँ, गणित का अनुभव काम में आता है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को उन सभी क्रियाओं को प्राथमिक स्तर पर ही संपन्न करवा देना चाहिए, जिससे बालक उसके व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सके। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग प्राथमिक स्तर पर ही संपन्न करवाए जाते हैं, गणित की संक्रियाएँ, गिनना या गणित पहाड़े आदि, गुणा भाग आदि सारी क्रियाएं प्राथमिक स्तर पर ही संपन्न करवा दी जाती है, ताकि आगे के जीवन में वह उसका उपयोग लेकर अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर सके और गणित शिक्षण को बेहतर बना सके, अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। तो यही होता है व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य। गणित का मुख्य उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य और भी कई उद्देश्य रहते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि बालक में मानसिक शक्ति का विकास कैसे किया जाए। जैसे उसमें कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, तार्किक शक्ति का विकास किया जाता है, चिंतन करवाया जाता है किसी भी एक टॉपिक पर, क्योंकि कभी कभी गणित में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हल हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसके बारे में हम लगातार चिंतन करते रहते हैं, कई घंटों तक चिंतन करते हैं, उसकी विधि को समझने की कोशिश करते हैं, तर्क शक्ति अपना दिमाग यूज करते हैं, मेंटल एबिलिटी पूरा योगदान देती है मानसिक शक्तियों के विकास में। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए, मानसिक शक्तियों का विकास। इसके अनुसार प्रोफेसर सुलझे ने कहा था कि गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है और गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान करवाना केवल गणित गौण द्वितीय उद्देश्य। ठीक
ठीक है। इसमें कौन कौन सी शक्तियों का विकास हो सकता है, अवलोकन हो सकता है, वह देख के सीख सकता है, चिंतन, तर्क, अन्वेषण, मौलिकता, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, विश्लेषण होता है, इन सभी क्रियाओं का मानसिक शक्तियों में विकास होता है। और तथ्यों का ज्ञान देना एक गौण और द्वितीय उद्देश्य हो सकता है, पर प्रथम उद्देश्य होता है उसका मानसिक विकास करना, तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति, और गणनाओं को एक दूसरे से रिलेट करने की शक्ति को इसमें पहली प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये हो गया मानसिक उद्देश्य का, मानसिक शक्ति का उद्देश्य। तीसरा है अवकाश के सदुपयोग करने का उद्देश्य। अवकाश मतलब जब बच्चा शिक्षण कार्य नहीं कर रहा है और वो अवकाश या छुट्टी में है या ग्रीष्मकालीन अवकाश है, तो उसमें बच्चा गणित के प्रति कैसे एक्टिव है उसको प्राथमिक स्तर पर बताया जाता है। तो गणित में कुछ ऐसे संक्रियाएं शामिल की जाती है, जैसे पहेलियां है, चार्ट है, मॉडल है, वर्ग पहेली है, नंबरिंग सिस्टम है, इन सभी को शामिल करके खेल विधि है, इन सभी को शामिल करके बच्चों में एक गणित के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है, एक इच्छा शक्ति पैदा की जाती है कि वो खेल खेल में गणित की संक्रियाओं को सीख सके। तो वो अपने अवकाश के समय भी उन खेल प्रक्रियाओं को पहेलियों को द्वारा कर, आदि शब्दों को द्वारा कर, या जो भी न्यूज़पेपर जैसी चीज़ों में जो अंकित पहेली आती है, मैगजीन में जो अंकित पहेली आती है, उनको सुलझा कर वो अपना अवकाश का सदुपयोग कर सकता है, और अवकाश के समय में भी उसका अधिगम प्रोसेस प्रारंभ रहती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि अवकाश के समय में, खाली समय में भी उसका गणितीय शिक्षण करवाया जा सकता है, और अधिगम प्रोसेस मतलब अधिगम प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, वो बंद नहीं होती। ठीक है, फोर्थ है अनुशासनात्मक उद्देश्य, अनुशासन का उद्देश्य। तो अनुशासन में मुख्य रूप से कैसा उद्देश्य होगा, मानसिक अनुशासन को इसमें डाला जाता है, ये भी उसी के तर्क संकेत। मुख्य रूप से अनुशासन में शारीरिक अनुशासन का लेकर मानसिक अनुशासन लिया जाता है। मानसिक अनुशासन का तात्पर्य है कि जब वो गणित शिक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, गणित की संक्रियाओं को सीखता है, तो उसमें एक मानसिक स्टेबिलिटी आती है, मानसिक अनुशासन पैदा होता है, जिसमें वह उसकी तर्क शक्ति गहरी होती है, चिंतन उसका गहरा होता है, वह हर चीज़ को सोच समझ के कार्य करने की एबिलिटी उसमें उत्पन्न होती है, वह एकदम से निर्णय न लेकर थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो इस तरह की एबिलिटी गणित शिक्षण द्वारा अनुशासन तौर पर, मानसिक अनुशासन तौर पर उसमें विकसित की जा सकती है। ठीक है, आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, मौलिकता पैदा कर सकते हैं, समय पालन शुद्धता के गुण लाया जा सकता है। ठीक है, और चिंतन और तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। किसी भी समस्या में वो तर्क लगाना सोचेगा, स्मरण करेगा, याद करेगा कि ऐसी गलती पहले भी उसने की है, अपने अनुभवों को साझा करेगा, तो इस तरह के प्रोसेस का अगर वो अपने अनुशासन तक, उद्देश्य तक पहुँच सकता है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक और चारित्रिक उद्देश्य। संस्कृति और चारित्रिक, कैरेक्टर, कल्चर एंड कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती है। तो कल्चर बिल्डिंग कैसे होगी, जैसे गणित सभ्यता तथा संस्कृति का एक दर्पण है। ठीक है, आज के भौतिक जितनी भी सुख सुविधा है वह गणित पर ही डिपेंड है। तो एक कल्चर की एक्टिविटी आती है, जैसे कि गणित शिक्षण विज्ञान का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर आज के भौतिक सुख सुविधा में जितनी भी टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें, अगर उसमें गणित हटा भी जाए तो ये टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये पूरी मूलतः नष्ट हो जाएगी। और संस्कृति में गणित का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितने ही भारतीय संस्कृति में विद्वान रहे सब गणित को यूज़ कर कर गणनाएँ कर कर ही हुए। जैसे ग्रह नक्षत्रों पर भी गणनाएँ हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो गणित पर ही आधारित है। ज्योतिष है, ज्यामिति है, रेखागणित है। रेखागणित मुख्य रूप से गणित शिक्षण का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें हम उस उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं जो गणित शिक्षण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है चारित्रिक उद्देश्य। चारित्रिक उद्देश्य में कौन कौन से पार्ट आएंगे, जैसे उसमें सत्यता, क्योंकि गणित सत्यता पर आधारित है, तो सत्यता का निर्माण करेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे क्वेश्चन हल करेगा गणित के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी, ईमानदारी आएगी, शीघ्रता होगी, नियमितता होगी, कंटिन्यूटी बढ़ेगी, स्पष्टता, शुद्धता, विविधता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक और विचारशील दृष्टिकोण भी विकसित होगा। तो ये सारे चारित्रिक गुण गणित शिक्षण करवाने पर विकसित
हो सके इसके उद्देश्य हम ध्यान में रखकर गणित शिक्षण करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य विषयों से संबंध का उद्देश्य। अन्य विषयों से कैसे संबंध करवाएंगे, जैसे गणित का मुख्य रूप से अन्य विषयों से संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। विज्ञान तो पूरी गणित पर ही निर्भर है, तो विज्ञान से तो मुख्य रूप से संबंध है विज्ञान। ठीक है, साइंस पूरी गणित पर ही डिपेंड है, अगर गणित ना हो तो साइंस कोई काम की नहीं, क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में या भौतिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में गणित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी इंजीनियरिंग कार्य में, बिल्डिंग बनाने में, नाप तोल में। ठीक है, और भी कई तरीकों से गणित का अपन यूज ले सकते हैं। विज्ञान के अलावा किस में उपयोगी है, वाणिज्य में, बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटिंग में, और भी लेखा जोखा रखने में वाणिज्य में उपयोगी है। और भी और कौन से विषय में, भूगोल में, ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई तरह की गणनाएं करनी पड़ती है ज्योग्राफी में, माप तोल, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, और भी कई तरह के उपकरण में गणित शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उपयोग उद्देश्यों के आधार पर हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गणित शिक्षा का कितना महत्व है। साथ ही शिक्षक को यह सुनिश्चित ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उन्हीं चयनित शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ऐसा करने पर शिक्षक सच्चे अर्थों में समाज में देश के सभी अच्छे नागरिक को सफल कर सकता है। तो शिक्षक का भी इसमें बहुत उपयोगी है, शिक्षक उन्हीं शिक्षण विधियों का समावेश करेगा जिससे इन सभी उद्देश्यों बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन द्वारा हम प्राप्ति देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, इन सभी का जब बच्चों में जब लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम डिसाइड करते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य हमने डिसाइड कर लिया, अब बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन कैसे किस तरह हो रहा है, तो उससे हमें उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो ये समस्त शिक्षण गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य इनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाया जाता है, अधिगम की प्रक्रिया संपन्न की जाती है प्राथमिक स्तर के बच्चों में। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न होता है एक शिक्षक द्वारा। तो इन सभी उद्देश्यों का आप ध्यान में रखोगे, अगली कक्षाओं में हम और भी उद्देश्य लक्ष्य पढ़ेंगे, जैसे NCF के द्वारा NCF के पाठ्यक्रम में क्या क्या उद्देश्य लक्ष्य शामिल किए, RT 2009 में कौन से लक्ष्य और उद्देश्यों को समावेश किया गया, इनके बारे में हम अगली कक्षाओं पढ़ेंगे। आज के लिए बस।